अब हम इकोनॉमिक सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सेंसिस की बात की थी तो बजट की बात हम सबसे पहले करेंगे और बजट के ऊपर ही सारा पूरा ईयर का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डिपेंडेंट रहता है तो आपको इसके हिमाचल कंटेक्स में बजट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है वो आपको सब पढ़ने पड़ेगी और उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे तो जब हम बजट की बात करते हैं सबसे पहले तो आपने ये समझना है वैन एवर वी वे टॉक अबाउट बजट ठीक है चाहे वो किसी स्टेट का बजट हो या कंट्री का बजट हो तो ए, इंडिया के अंदर जब हम वी वे, वेन वी ऑलवेज टॉक अबाउट बजट तो बजट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप है हमारे देश के अंदर में और बजट अगर एक आ, आ, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट प्रोविजंस वैसे तो एक घर का बजट है गांव का बजट शहर कहीं का भी बजट बन सकता है लेकिन अगर हम गवर्नमेंट से में बात कर रहे हैं तो एक बजट हमारे देश के अंदर एक, एक बिल कंसिडर किया जाता है एक बिल होता है जो कि जो कि हमें पास करना पड़ता है ठीक है और बजट वो बिल है विच कैन अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो विच कैन ओनली बी इंट्रोड्यूसड इन लोकसभा इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ठीक है एंड इट हैज़ टू बी पास थ्रू लोकसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी तो ये वो बिल है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पहली बात आपने ध्यान रखनी है ठीक है स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होगा ठीक है और इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन इन लोकसभा एंड सेकेंड पॉइंट इज इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट या प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट नहीं बजट वो चीज़ होती है जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल होती है प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ये भी आपने ध्यान रखना है ठीक है इन केस बजट इज नॉट पास ध्यान रखना इन द गवर्नमेंट कैन फॉल और अगर गवर्नमेंट गिर जाती है ठीक है तो प्रेजिडेंट के पास प्रेजिडेंट चाहे तो बाद में वो लोकसभा डिजोल्व कर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो दूसरे दूसरे को भी कह सकता है कि भाई गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकते हो मतलब अगर आप कोई भी गवर्नमेंट अगर बजट नहीं पास कर पाती है तो समझो उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो अगर बजट पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट कैन फॉल नॉट लोकसभा विल नॉट डिज़ोल्व गवर्नमेंट कैन फॉल लोकसभा तब डिज़ोल्व हो सकती है अगर प्रेजेंट बिलीव दैट कि भाई या प्रेजेंट को लगता है कि कोई और गवर्नमेंट नहीं बन सकती है तब वो डिज़ोल्व के लिए कह सकता है अदरवाइज गवर्नमेंट गिर सकती है अगर क्या है बजट पास नहीं होता है इसलिए इसको पास होना जरूरी है एक ऐसा बिल है मैंने कहा प्रेजेंट की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है प्राय रिकमेंडेशन इज इंपॉर्टेंट ठीक है बजट का अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम जाए तो बजट को ब्रॉडली आर्टिकल हंड्रेड एंड ट्वेल्व के अंदर इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता।, जाता है क्या कहा जाता है बेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है और आर्टिकल एक सौ बारह के अंदर तो एनुअल फाइने लेकिन खाली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है इसके साथ और भी चीज़ें कंप्राइज की जाती हैं तब वो कंप्लीट बजट बनता है और उसमें जो चीज़ें इंक्लूड की जाती है दैट इज फाइनेंस बिल बिल इंक्लूड किया जाता है अप्रोप्रिएट बिल भी इंक्लूड किया जाता है अप्रोप्रिएट बिल ठीक है एंड डिमांड ऑफ ग्रांट्स बिल डिमांड ऑफ ग्रांट्स बिल तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स बिल तो चार चीज़ें बन गई हमारे पास एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरा हमारे पास हमने कहा फाइनेंस बिल तीसरा हमने कहा अप्रूवरेड बिल और चौथा हमने कहा डिमांड ऑफ ग्रांट्स बिल तो ये चारों चीज़ें मिला के देन ओनली हमें कंप्लीट बजट बन जाता है जो जिसको हम कंप्लीट बजट भी कह सकते हैं ठीक है रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में नो वेयर द वर्ड बजट हैज बिन रिटर्न बजट शब्द कहीं नहीं लिखा है है ना यहाँ पे इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है इसलिए गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है गवर्नमेंट नहीं आती है फाइनेंस मिनिस्टर्स आते रहते हैं तो वो क्या करते हैं कोई ना कोई पॉलिटिकली या कुछ ना कुछ, ना कुछ नहीं चेंज जैसे अभी हमने बीजेपी गवर्नमेंट पावर में सेंटर में तो उन्होंने इसको नाम दे दिया बही खाता तो ऐसे कोई बजट बोल दिया या उस पहले वो ब्रीफ केस बनाया जाता था अभी वो बही खाता को एक दूसरे तरीके से लेके आते हैं तो वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है तो वो अलग चीज़ें हैं ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये तीन चीज़ें हैं एनअल फाइनें स्टेटमेंट ठीक है फाइनेंस बिल अप्रोप्रेट बिल और डिमांड ऑफ ग्रांच बिल तो ये सारी चीज़ें मिला के हम एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट करके हम बजट की अप्रोवियोट बताओ और मैंने कहा बजट एक बिल है जो खाली लोकसभा में आ सकता है कैन बी इंट्रोड्यूस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा एंड इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट एंड स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए ठीक है ये आपने ध्यान रखना है जब हम बजट की बात करते हैं जब हम बजट इन शॉर्ट दूसरी चीज देखते हैं कि बजट में जनरली हमारे पास तीन तरह का डाटा हमारे पास दिखता है एक हम कहते हैं एक्चुअल ठीक है एक हम कहते हैं कि भाई हमारे पास रिवाइज है और एक हमारे पास एक्चुअल डाटा है रिवाइज डाटा एक हमारे पास एस्टिमेटेड होता है जब भी हम किसी बजट की बात करते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेन तो दैट बजट इज़ ऑलवेज एस्टिमेटेड बजट यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि जो बजट अब जो बजट लेके आ जाता है तो एस्टिमेटेड बजट का जो डाटा होगा वो हम क्या एस्टिमेट करते हैं कि भाई इतना रेवेन्यू रिसिवट होगा इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेंगे उसके एस्टिमेशन लगाते हैं एस्टिमेटेड डाटा रहता है तो हर साल का बजट है लेकिन जो प्रायर जो साल निकल गया ठीक है और जिसका हमारे पास डाटा आता है ठीक है गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जैसे हमारे पास है तो जब डाटा कलेक्ट होता है तो वो डाटा जो पुराना बजट था उसका डाटा हमारे पास हमेशा एक्चुअल आता है ठीक है पिछले वाला और उसी डाटा को अगर हम और थोड़ा सा उसमें चेंजेस देख के करते हैं क्योंकि हम हर साल जो भी बजट निकालते हैं तभी हम बजट में कहते हैं बहुत सारी अनाउंसमेंट होती हैं बहुत सारे नए नए प्रोविजन लेके आते हैं अब वो कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए तो वो बाद में जब हम क्या अगले साल इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब हमें पता लगा कि कितना इसमें रिवाइज किया हमने और कितना एक्चुअल में आया हमारे पास तो हमेशा बजट जो होता है वो एस्टिमेटेड होता है जो ईयरली बजट आता है प्रपोज्ड होता है वो एस्टिमेटेड होता है ठीक है ये आपने ध्यान रखना है एस्टिमेटेड होता है ये ध्यान रखना क्लियर है।, है और ये बजट के आपने चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो बात की जाती है बजट के अंदर वो एस्टिमेटेड है और उसकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो हमारे बैक प्रीवियस ईयर की एक्चुअल कैलकुलेशन सामने आती है जब हम बजट की बात करते हैं ये है आपने ध्यान रखना बजट में जनरली दो चीज़ें देखी जाती है बच्चे एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है या उसमें हम अगर हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे तो वो टोटल रिसिप्ट बन जाएगा बाद में देखेंगे कैसे और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस कितना पैसा कहाँ से आया दैट इज़ द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ कहाँ पर पैसा लग रहा है क्योंकि हमारे देश की प्रॉब्लम ये है शुरू से ही कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट और जिसके कारण से डेफिशिट जो होता है उसको रेवेन्यू डेफिशिट बोलते हैं इसलिए हमें हमेशा उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ठीक करने के लिए इस रेवेन्यू रिसिप्ट में हमें बोरोइंग ऐड करना पड़ जाती है सेंट्रल लेवल हो स्टेट लेवल हो दोनों जगह बोरोइंग होती है अच्छी बात यह है कि जब हम बोरोइंग की बात करते हैं इंडिया में 95% ऑफ बोरोइंग जो है वो इंटरनल है अच्छी बात यह है कि एक्सटर्नल बोरइंग नहीं है तो बजट के अंदर हम इंटरनल बोरोइंग करते हैं तो नाइन्टी फाइव परसेंट आप बोरिंग तो इंटरनल रेवेन्यू रिसिप्ट किया जब हम बात करते हैं तो बोरइंग करना पड़ता है क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ठीक है अब ये जो करी है इसका इसको अगर हम ऐड कर दें तो वो टोटल रिसिप्ट बन जाएगा फिर है ना वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो उस बोरोइंग का हमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा इंटरेस्ट और वो इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हम टोटल एक्सपेंडिचर बन सकता है वो ठीक है अब फिर भी अगर आप चेंजेस आते हैं फिर भी अगर नुकसान होता है वो फिजिकल डेफिशिट जैसी चीज़ें या चीज़ें हम देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट पेमेंट भी जैसी चीज़ें निकाल तो प्राइमरी डेफिशिट भी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ऐसे बजट से रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपने डेफिशिट ध्यान रखना इंडिया का बजट हमेशा डेफिशिट होता है दैट इज़ वाई यहाँ के स्टेट्स का बजट भी डेफिशिट बजट है ये भी अपना ध्यान रखना है इसलिए डेफिशिट फाइनेंसिंग है हम कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिट को ख़त्म करें इसलिए हमने एफ़ आर बी एम भी लेके आए थे जिसको हम कहते हैं फिजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट और उस फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर हम ये चाहते हैं कि, कि किसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो किया जाए तो तब जाके हम बाकी जो डेफिसिट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन फिलहाल तक अभी ये रेवेन्यू डेफिट जो है हम जीरो नहीं कर पाए हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसट ये सारे चीज़ें लेके भी आए लेकिन हम नहीं कर पाए ठीक है हमें इसके लिए स्पेशली हमने काउंसिल भी हमने बना के रखी जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो हमने बनाई थी तो लेकिन वो अभी भी हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है अभी भी इंडिया का जो बजट डेफिसिट है वो क्या है डिफिशिट है हमारा बजट और डेफिसिट फाइनेंसिंग की हमें जरूरत पड़ जाती है एक और चीज़ है कि बजट हम बेसिकली जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं चाहे हम उसमें बजट से रिलेटेड जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं चाहे हम उसमें बजट में कांस्टेंट अब इसमें दो प्राइस यूज़ कर सकते हैं हम लोग या तो कांस्टेंट प्राइस यूज़ कर सकते हैं ठीक है या हम जहाँ पे इन्फ्लेशन जो हम नहीं ध्यान में रखते हैं तो फिर हम उसको करंट प्राइस पर ध्यान में रखते हैं कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन का ध्यान भी रखा जाता है और एक बेस ईयर के साथ हम चलाते हैं ठीक है तो कॉन्स्टेंट प्राइस पर भी आ सकता है और करंट प्राइस पर भी हो सकता है ये भी हमने ध्यान रखना है जब जी की बात करते हैं जी बेसिकली बेटा अगर हम देश की बात करें तो इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए जोग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर वन फाइनेंशियल ईयर तो स्टेट की बात करें अगेन सेम वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड इज़ वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए जोग्राफिकल एरिया ऑफ़ ए स्टेट इन वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ठीक है इट कैन बी एट कॉन्स्टेंट प्राइस एज वेल एज करेंट प्राइस ईयर हमने बात करी ठीक है और इसी के बेसिस पे हम कंपाउंड कंपाउंडियरल ग्रोथ भी निकालते हैं जो हम बात करते हैं कंपाउंड एनियल ग्रोथ की भी तो वो भी हम निकाल सकते हैं जब हम जी और इस चीज़ों की बात करते हैं तो तो ये हमने ध्यान रखना है जब बजट की बात आती है ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और इसी के बेसिस पर हम बजट की स्टडी कर सकते हैं हिमाचल के बजट की स्टडी भी हम इसी बेसिस पे करते हैं ठीक है तो एक और चीज़ हमने देना है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की भी हम बात करेंगे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में जब हम देखते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट से जो एक साल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करी उससे क्या हमने गेन किया दैट विल बी द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बजट से रिलेटेड हैं जो आपको मालूम होना चाहिए और इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर हम बजट की स्टडी कर सकते हैं तो बजट के बारे में आपको ये बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए देन ओनली वी कैन स्टार्ट दी बजट पाट अब चलते हैं जरा हिमाचल के बजट को देखते हैं थोड़ा ठीक है अब सबसे पहली बात जब हिमाचल की बात आती है बजट की बात आती है तो इसमें एक बहुत सिंपल सी बात करी जा रही है कि भाई देखो दी जो भी बजट हम देखो हिमाचल के अंदर जो बजट लेके आए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास है न, मिनिस, चीफ मिनिस्टर के साहब के पास तो खुद उन्होंने बजट पेश किया ठीक है और ये बजट छः मार्च को लेके आए थे मार्च में और कोविड का इम्पैक्ट देखता था बजट के ऊपर ठीक है इसलिए कोविड इंपैक्ट वजह से आपने याद रखना कि ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड 2020 एंड बीस एन इक्कीस वॉज नॉट ए स्टैंडर्ड ईयर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए जब आप बजट पढ़ोगे तो देखोगे स्टैंडर्ड ईयर 2020 और 21 क्योंकि मैंने कहा था बजट जो भी आएगा वो एस्टिमेटेड होना चाहिए 2020 हजार बीस इक्कीस लेकिन नॉट ए स्टैंडर्ड ईयर किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी स्टैंडर्ड ईयर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दर्फॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी एंड गवर्नमेंट फाइनेंस परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी और गवर्नमेंट फाइनेंसिस के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड ईयर नहीं रखा गया क्योंकि किसके इंपैक्ट के कारण टू ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ कोविड 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है इसीलिए इस इस नोट की अगर हम बात करते हैं तो 2021 थाउजेंड एंड बजट एस्टिमेशन कंपेयर्ड टू फॉर 2019 एंड 20 जब हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ठीक है अगर इन टर्म्स ऑफ जब हम बात कर रहे हैं तो 2021 और 22 जो बजट है जो अभी क्योंकि देखो अगर हम इस बार के बजट की बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है वो कौन सा बेटा ये वाला बजट हो गया ना ये हुआ एक्चुअल में एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड ही हो ना अभी 2021 चल रहा था नहीं इक्कीस बाईस का जो बजट है इसलिए इक्कीस बाईस का जो बजट है एस्टिमेटेड है एक्चुअल फॉर 2019 एंड 20 इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ये ध्यान रखना तो 2020 और 21 पिछला हो गया पिछला बजट था उन्नीस और बीस उससे पहले था ठीक है तो एक्चुअल उन्नीस बीस रिवाइज आ गया बीस से इक्कीस और ये जो इक्कीस बाईस जो एस्टिमेटेड बजट होना था ठीक है इट हैज बिन कंपेयर टू द एक्चुअल 2019 और 20 उसके साथ कंपेयर कंपेयर कंपेरेटिव कर सकते हैं हम लोग तो ये हमने किया क्योंकि मैंने कहा इम्पैक्ट ऑफ कोविड आपने ये ध्यान रखना है क्लियर है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं जो भी गवर्नमेंट ने जो शो करी है उस बजट के अंदर क्या क्या हाईलाइट जो है और फिर हम कुछ बजट अनाउंसमेंट देखेंगे और फिर हम देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट जो है और एक्सपेंडिचर हिमाचल के अंदर से कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है और कहाँ पे एक्सपेंडिचर जा रहा है ये भी हम देखेंगे और साथ में देखेंगे एलोकेशन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है हैं और हम एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे भाई कैसे हिमाचल के अंदर जब हम बात करते हैं हिमाचल की तो कैसे हिमाचल के अंदर ये है कि जो यहाँ पे जो कंपलसरी एक्सपेंडिचर है जो कंपलसरी एक्सपेंडिचर है उसको हम देखेंगे भाई कितना कंपलसरी एक्सपेंडिचर है जब हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देख लेंगे और जो हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसे माना जाता है हिमाचल का तो कमिटेड एक्सपेंडिचर हम देखेंगे कैसे 72 टू परसेंट रेवे रिसीव का जब हम बात करते हैं तो कमिटेड एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं और वो जनरली तो पूरे देश में 50 परसेंट कमिटेड एक्सपेंडिचर में चला जाता है लेकिन जैसे ये हमारे सैलरीज पेंशन इंटरेस्ट कैसे इसमें हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है ये हिमाचल का ये भी हम नोटिस करेंगे ये भी हम चीज़ें देखेंगे तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम लोग जिसमें हम तीन चीज़ें देखते हैं एक हम देखते हैं ग्रॉट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हिमाचल बजट में करंट प्राइस पे क्या क्या चीज़ें हुई है दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर 2021-22 का अगेन एस्टिमेटेड होगा वो ठीक है फिर टोटल रिसिप्ट अगेन जो भी हम क्या करेंगे एस्टिमेटेड होगा जब हम किसकी बात करेंगे इक्कीस बाईस की और रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे जब हम अगेन किसकी बात करेंगे दो हज़ार की तो रेवेन्यूट डेफिशिट की बात क्यों करेंगे और फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे एस्टिमेटेड -20 तो, ठीक है तो अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें 21-22 का ठीक है अगर हम जिसको हम कह सकते हैं कि भाई जीडीपी की अगर बात करें किसकी हिमाचल की तो हम ये कहते हैं एस्टिमेटेड बेटा 21-22 अभी ये जो आएगा और अगर हम कौन से प्राइस पे देख रहे हैं बेटा करंट प्राइसेस पे रिमेंबर करंट प्राइसेस पे तो ये हमने प्रोजेक्ट किया है इट कैन बी वन करोड़ और जो हम ये कह रहे हैं कि इट इज एन एनुअल इंक्रीज ऑफ थ्री परसेंट एनुअल इनक्रीज थ्री परसेंटेंट ओवर जो 2019 उन्नीस देखो यहां पे देखना कोविड हमने इसको कंपेयर किससे नहीं करा बेटा फिर से देखो कंपेयर हमने बीस इक्कीस से नहीं करा इसको कंपेयर किससे किया दो हजार 20, उन्नीस से क्योंकि बीस इक्कीस हमने कहा था ड्यू टू कोविड हमने उसको एक्चुअल जो है हमने 2019-20 से कंपैरिजन एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग रिमेंबर दिस पॉइंट समझ आ रही मेरी बात रिमेंबर दिस पॉइंट तो ये ध्यान रखना है तो ये कह रहा है दिस इन एन इंक्रीज ऑफ थ्री परसेंट ओवर दी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 2019 का है तो कितना परसेंट थ्री तो ये आपने कंपैरिजन में बताया 19-20 के साथ क्यों किया हमने पहले बताया इंपैक्ट ऑफ कोविड तो इसलिए इसके साथ कंपैरिजन करके हमने बात करी है ठीक है तो इसलिए तीन परसेंट का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान है और अगर हम रिवाइज एस्टिमेटेड देखते हैं जो कि 2020 और 21 का हमारे पास आता है रिवाइज क्योंकि वो एक्चुअल नहीं है अगर हम रिवाइज एस्टिमेटेड देखते हैं दो और इक्कीस का तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि अगर एस्टिमेटेड है तो ये इंक्रीज जो uh, के बदले इंक्रीज नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यानी रिड्यूस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय 3.94 पॉइंट नाइन फोर परसेंट ओवर दीवियस ईयर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कितना परसेंट 3.9 परसेंट अगर हम रिवाइज 2020 और 21 जो रिवाइज एस्टिमेटेड हमारे पास है 2020 और 21 का उसके साथ अगर हम करें कंपेयर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है याद रखें अगर हम कर, कर रहे हैं उन्नीस बीस के साथ तो बेटा क्या हुआ है ये इंक्रीज हुआ कितना परसेंट तीन परसेंट लेकिन अगर हम जो लास्ट ईयर का बजट है बीस और इक्कीस उसके साथ कंपेयर करते हैं तो कंट्रैक्शन आई है कोविड इंपैक्ट मैंने बताया तो वो आपने ध्यान रखना है थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ओवर द प्रीवियस ईयर और ठीक है यहां पे ये देखना क्योंकि एस्टिमेटेड टेन परसेंट बजट स्टेज पर था इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन इतनी आई है अगर हम एक्सपेंडिचर में चलते हैं ये तो बेटा ग्रॉस टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें अगेन 21 बाईस ठीक है यानी एस्टिमेटेड ठीक है देखो एस्टिमेटेड है तो ये हमने एस्टिमेट किया है फिफ्टी करोड़ ये टोटल एक्सपेंडिचर है जो हम करना जा रहे हैं ठीक है एनुअल इंक्रीज कितना हुआ इसमें एटीन एट परसेंट अब एट परसेंट की किसके साथ कंपेयर करके जब हम 2019 के साथ कर कंपेयर कर रहे हैं 19 बीस के साथ लेकिन अगर हम रिवाइज एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर के साथ करते हैं बीस इक्कीस के साथ तो इट इज एस्टिमेटेड टू बी नाइन परसेंट हायर देन बजट एस्टिमेटेड दैट इज नौ परसेंट अगर कर रहे हैं एनुअल इंक्रीज आठ की आ रही है और अगर हम एस्टिमेटेड बीस के साथ कर रहे हैं तो नाइन हायर देन जो जो भी एस्टिमेट किया था हमने ठीक है दो हज़ार में उससे नाइन परसेंट हायर की हम बात कर रहे हैं कि भाई ये दिखता है अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की सेम रिसिप्ट में जाते हैं इस रिसिप्ट में जो यहाँ बात करें मैंने याद होगा आपको रिसिप्ट में मैंने बात की थी भाई हम क्या करते हैं क्योंकि हमारा जब रिसिप्ट आता है तो उसमें हम बोरइंग आता बोरइंग बहुत बड़ा शेयर भी प्ले करता है ठीक है अगर इंडिया के बजट की बात करें तो बज इनफैक्ट बजट बोरइंग जो है वो बहुत बड़ा शेयर uh, है सबसे लार्जेस्ट शेयर बोरइंग का ही रहता है जो बजट के अंदर हम बात करते हैं जो बजट रिसिप्ट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे और uh, मैंने कहा था अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम बोरोइंग जो है वो इंटरनली है तो यहाँ अगर हम रिसिप्ट की बात करते हैं एक्सक्लूडिंग बोरिंग दो और इक्कीस की तो ये मानी जाती है थर्टी ठीक है सिक्सटी करोड़ रुपीज़ की एनुअल इंक्रीज़ ऑफ कितना है दस अगर हम 2019 से करते हैं तो इंक्रीज़ कितना हुआ है ये 10 परसेंट ठीक है लेकिन अगर हम 2020-21 जो कि रिवाइज है टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन अगेन ये डाटा क्योंकि अभी हम दो और इक्कीस का जो है उसके साथ एक्चुअल कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद एस्टिमेशन लगा रहे हैं या उसका एस्टिमेशन पार्ट उठा रहे हैं वो रिवाइज पार्ट उठा रहे हैं तो इसलिए हम क्योंकि सारे कंपैरिजन हम 2019-20 से करें ड्यू टू कोविड तो, तो इसलिए अगर हम 2019-20 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 10 परसेंट का इंक्रीज दिखता हमें अदरवाइज हमारा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे यहाँ देखना अराउंड सेवन सेवन परसेंट का डिक्रीज हमें दिखता है रेवेन्यू डेफिशिट की बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम हो तो वहाँ पर डेफिशिट आएगा रेवेन्यू डेफिशिट अगर एस्टिमेट किया जाए किस वाइज कम कितना कितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना डेफिशिट हो जाए हमने कहा कि भाई एक हज़ार चार सौ तिरसठ करोड़ का डेफिसिट हो सकता है जो कि जीडीपी का पॉइंट एट फाइव परसेंट होगा मतलब पॉइंट एट फाइव परसेंट का रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है जीडीपी का हमारे पास स्टेट जीडीपी का ठीक है या हम कह सकते हैं स्टेट जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका हमारे पास और अगर हम इसको दो हज़ार और इक्कीस के साथ जो कि उस वक्त पर हमने एस्टिमेट किया था रिवाइज एस्टिमेटेड है जो हमने कहा था कि चार करोड़ ठीक है स्टेट हैज एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ चार सौ तेईस करोड़ दैट इज़ पॉइंट टू सेवन ऑफ परसेंट ऑफ जी जी डी पी तो दो हज़ार बीस इक्कीस में हमने ये किया है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है इक्कीस बाईस का कि हमने कितना कहा है कि भाई पॉइंट एट फाइव परसेंट है अगेन एस्टिमेशन में अगर हम फिजिकल डेफिसिट में जाते हैं तो हम कह रहे हैं सात हज़ार सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड एंड सेवन एट्टी नाइन करोड़ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया फिजिकल डेफिसिट हम कितना कह रहे हैं कि सात हज़ार सात सौ एट्टी नाइन करोड़ का फिजिकल डेफिसिट आएगा दैट इज 4.52 पॉइंट फाइव टू परसेंट ऑफ स्टेट जी डी पी तो फिजिकल डेफिट हमनेट और रेवेन्यू डेफिट हमने एस्टिमेट किया है है तो ये दो है। ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी हमने लगा रखी है इस साल के लिए बजट के अंदर एस्टिमेशन हमारी ये है 2021 और 22 के लिए ये एस्टिमेशन करी है हमने जब हम बजट की बात करते हैं ठीक है तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने ये हमने देखी ठीक है बजट के अंदर तो और भी चीज़ें अब एक एक रख देते हैं आई होप दिस इज़ क्लियर ठीक है तो बजट के लिए आपको ये चीज़ें याद रखने पड़ेंगी ये दे आर वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना हिमाचल में आपने ध्यान देना कोविड नॉर्म्स के अंदर एक जो कंपेरेटिव कर रहे हैं हम जब जब कंपाउंड ग्रोथ के रेट तो 2019-20 के साथ हम कर रहे हैं ठीक है ये भी आपने ध्यान रखना है ठीक है अगर हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो कुछ पॉलिसीज़ जो हैं हाईलाइटेड पॉलिसीज़ जो हमने प्रमोट करी है वो बात करी है दो हज़ार में एक स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी जो हम ले आ रहे हैं ठीक है कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हैं स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी ठीक है एनर्जी सेक्टर मैंने कहा पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए तो इसलिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी हम दो हज़ार में लेके आ रहे हैं दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को जो है हम प्रमोशन में डाल रहे हैं ठीक है इसके लिए भी हम न्यू पॉलिसी सर्वाइवल के लिए प्लांटेशन के लिए हम नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम लीगल फ्रेमवर्क विल बी अमेंडेड टू परमिट द मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है यहाँ पे हम लीगल फ्रेम ये क्या करें परमिट द मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फ्लावर्स थ्रू ए पी एम सी मंडीज तो ये अगेन बजट पॉलिसी की हाईलाइट जो है इक्कीस बाईस के लिए है कि जो फ्लावर्स हैं उसकी हम ये कह रहे हैं कि भाई मार्केटिंग और ट्रेडिंग मंडीज के थ्रू ठीक है लीगली अलाउ करेंगे तो वो भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसको एक और आ, हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं एक और इसको कहते हैं स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा संवर्धन योजना दैस इज अगेन वी हैव कम अप विद ठीक है ये लेके ले ठीक है विल बी ये किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स इन स्टेट्स जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं मैंने कहा ना हिमाचल के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्लोरा हैं या बहुत सारे ऐसे सीड्स uh, हैं या स्पीशीज़ हैं जो इंडेमिक भी है और ख़ासतौर से अगर ट्रेडिशनल है काल कल को हम उस पर जिया इंडिकेशन भी कर सकते हैं तो ऐसी स्पीशीज़ के लिए एक स्कीम लेके आना है स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा संवर्धन योजना ताकि वो हम प्रिजर्व कर सकें जो ट्रेडिशनल है ठीक है ये ध्यान रखना है हमें और ये कॉर्पस ऑफ पाँच करोड़ के इनिशियल कॉर्पस से हम लेके आ रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ है डिजिटाइशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज मैंने आपको पहले बताया था ई e गवर्नेंस और डिजिटल के लिए बहुत काम कर रही है हिमाचल गवर्नमेंट ठीक है तो डाटा बेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं ठीक है थीके? और बहुत सारी जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह और लोकमित केंद्रों के साथ ये इंक्रीज किया जाए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बजट में हुआ वो हनोरियम बढ़ाने की बात हुई है हनोरियम बढ़ाने की बात हुई है हर जगह पर हम देखेंगे पूरे हिमाचल के अंदर जो इस बार का बजट रे अनाउंसमेंट है उसमें ये हर जगह है चाहे वो आशा वर्कर्स का हो चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का हो सब जगह हम देखेंगे इंक्रीज़ हुआ है ठीक है इवन जो लेबर वेज डेली वेज लेबर का जो बेस लाइन है वो भी हमने इंक्रीज़ करी है तो अगर आप जैसे हम आशा वर्कर की सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा काम आशा वर्कर्स ने किया तो इसलिए उनकी अगर हम बात करते हैं तो पर मंथ जो है वो इट हैज़ बिन इंक्रीज़ टू सेवन फिफ्टी पर मंथ ये आपने ध्यान रखना है वेयर एज़ आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी और हेल्पर सबके हमने क्या है सबको इंक्रीज़ किए हैं किसका आंगनवाड़ी का 500, 300, तीन सौ पर मंथ रिस्पेक्टिवली हमने करा है तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें जो हैं पॉलिसी के अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है जब हम पॉलिसी हलट्स की बात करते हैं ठीक है थीके? तो ये आपने ध्यान रखनी है क्लियर है अगर हम इकोनॉमिक uh, सेंस में अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक सेंस में जहाँ पे हम ग्रोथ uh, रेट देखते हैं हिमाचल का क्या कैसा रहा है क्या है क्या चीज़ें हैं तो उसके अकॉर्डिंगली और साथ में हम यहाँ भी देखेंगे कि भाई जो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ है कांस्टेंट प्राइस पे 2019-20 में क्योंकि अगेन बीस इक्कीस नहीं 19-20 19-20 में हम देखेंगे भाई क्या रहा और कैसे हमने 19-20 में कौन से से कौन से जो सेक्टर है वो किस सेक्टर ने बेटर किया है तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले स्टेट की अगर हम जी की बात करते हैं ठीक है कॉन्स्टेंट प्राइस पे अगेन तो ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट जी डी पी दैट ए कॉन्स्टेंट प्राइस कितनी थी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है दो हज़ार उन्नीस बीस में और ये लोअर देन द ग्रोथ रेट इन दो हज़ार अठारह उन्नीस क्योंकि दो हज़ार अठारह उन्नीस की जो ग्रोथ रेट है वो सेवन पॉइंट वन परसेंट है उससे कम थी मैं ये कह रहा हूँ जब उन्नीस बीस की कम है और जब उस पर उस पर भी कोविड का इम्पैक्ट था थोड़ा सा लेकिन बीस इक्कीस में तो पूरी तरह से कोविड इम्पैक्ट दिखता है तो और जब उसका होता तो वो तो इससे भी लोअर है बेटा नेगेटिव है मैं बता रहा हूँ ठीक है तो एक डाटा ये भी कहता है कि अगर हम इकोनॉमी एक, के सेंस में ज, 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 जाते हैं तो एक डाटा ये भी आता है यूनियन अगर बजट की बात करते हैं हिमाचल के तो वो ये भी कहता है कि अगर हम टोटल बजट की बात कर रहे हैं तो आ, हिमाचल के अंदर बजट में हमारे पास स्टेट ऑफ इकॉनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है स्टेट ऑफ इकोनॉमी में दैट दैट इट इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड बाय 6.2 परसेंट 6.2 परसेंट माइनस प्लस नहीं इट इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनस 6.2 परसेंट ठीक है और ये ये कह सकते हैं नेशनल लेवल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो वो तो कह रहा है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट नेशनल लेवल की माइनस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट अगर आप नेशनल बजट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन चल रही है एस्टिमेटेड है वो माइनस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है हालांकि हिमाचल की नेशनल से थोड़ी सी कम है कॉन्ट्रैक्शन ठीक है ये एस्टिमेट किया गया है कि एस्टिमेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है अराउंड सिक्स पॉइंट टू परसेंट है ऑफ जीडीपी ठीक है ये आप देखो ये हाल है हिमाचल का अगर कोविड के इम्पैक्ट की बात करते हैं हम लोग ठीक है 2020 और इक्कीस की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है क्लियर है क्लियर है तो यहाँ पे मैं इसलिए 19-20 का डाटा बता रहे हैं और ये हमने इसके साथ देखो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देखो अठारह उन्नीस में हाई है उन्नीस बीस में ही कम हो गया फाइव और यहाँ पे इसकी तो कॉन्ट्रैक्शन ये लगाई जा रही है कि जी डी माइनस में चलेगी माइनस सिक्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई है ये एस्टिमेटेड बता रहे हैं कि अभी जो अब एक्चुअल में तो सामने आ नहीं रही है बीस इक्कीस की बात है ना तो ये आपने ध्यान रखनी एक बात दूसरी बात अगर हम सेक्टर्स की बात करें 19-20 की अगर अगेन फिर से दो कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर तेरह परसेंट है इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग चार परसेंट कम हो रहा है अगर हम सर्विसेज की बात करें तो फोर्टी वन परसेंट रिस्पेक्टिवली यहाँ पर ये कह रहा है कि हम ये इंक्रीज बता रहा है कि ये चीज़ें हुई है उन्नीस और बीस में अगर हम उन्नीस बीस की बात करें प्रायर चले जाए अठारह उन्नीस में एग्रीकल्चर बहुत आ, कम था हिमाचल के अंदर इट वॉज इनफैक्ट इन नेगेटिव इट वॉज माइनस वन पॉइंट सेवन परसेंट बट अच्छी चीज़ हुई थी उन्नीस बीस में क्या हुआ था एग्रीकल्चर थोड़ा सा उठा था ये हमने देखा ठीक है एग्रीकल्चर की बात करें मैन्युफैक्चरिंग में अगेन 3.9 परसेंट के आसपास दैट इज थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ी है ठीक है और अगर हम बात करते हैं अगेन सर्विसेज की तो 5.9 परसेंट के आसपास हम लोग देख सकते थे तो अगर हम कांस्टेंट प्राइस से इसको करते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तेरह 47 सेवन परसेंट मैनुफैक्चरिंग और 41 वन परसेंट सब्सिडी तो अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग जो है 47 परसेंट के आसपास सेक्टर्स की अगर हम कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं तो सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेकंड नंबर पे सर्विसेज एग्रीकल्चर आपको पता ही है कम रोल प्ले करता है अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं ये तो थी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर इन्हीं सेक्टर को मैं ग्रोथ में ले जाऊँ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और इन तीनों को मैं अगर ग्रोथ की बात करता हूँ कि भाई इनमें क्या ग्रोथ हुई है तो एग्रीकल्चर में 2019 और 20 में कम्पेरेटिवली पिछले ईयर से ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में एक बताएं तो और वो ग्रोथ हमारे पास अराउंड हम देखे थे देखे चले तो 9.3 परसेंटेज की ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस हुआ है क्योंकि उससे पहले इट वाज अराउंड 8 परसेंट और अभी कम से कम ग्रोथ जो है थ्री तो एट से थ्री पॉइंट का नुकसान है एक तरह से तो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं ग्रोथ कम है और अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं सर्विसेज में भी जो ग्रोथ जो है वो क्या है रिड्यूस हुई है जो कि एट थी वो 5.9 परसेंट आ गई कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हमने बात करी तो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन दे रहा है जीडीपी पे ठीक है अगर इकोनॉमी के अगर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग का रोल सबसे बड़ा फोर्टी सेवन उसके बाद सर्विसेज और ठीक है देन वी हैव दिस कॉल्ड एज दी दी एग्रीकल्चर सेक्टर ये आपने ध्यान रखना है पर कैपिटा जी की बात करते हैं पर कैपिटा हिमाचल प्रदेश एट कॉन्स्टेंट प्राइस वॉज इतना वन पॉइंट सिक्स नाइन सेवन एट ठीक है लाख रुपीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग और जीपीटी पी विच इज़ फोर पॉइंट नाइन सेवन परसेंट हायर देन दी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इन अंठारह तो फोर पॉइंट नाइन हमने बात पर कैपिटल जी की अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जो लेवल हमारे पास जो लेबर फोर्स सर्वे जो आता है हमारे पास अगर उसकी बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिस स्टेट इज वॉज फाइव पॉइंट टू परसेंट लोअर देन दल इंडिया लेवल 5.2 पॉइंट परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेटा ये 2020 और 21 में बढ़ गया होगा और ज़्यादा हो गया होगा ठीक है तो ये काफ़ी ये हमने 1920 के कंपैरेटिवली बात करी है तो ये आपने ध्यान रखना है क्लियर है नेक्स्ट आते हैं अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं एस्टिमेटेड ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड की बात करें किसकी अगेन दो हज़ार जो हमने एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया है तो हमने कहा कि पचास हजार एक सौ बयानवे करोड़ का एक्सपेंडिचर जैसे मैंने पहले बताया विच इज एन एनुअल इंक्रीज ऑफ एट परसेंट ओवर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ कितना 2019। यहां यहाँ पे बात हो रही है बेटा एक्चुअल एक्सपेंडिचर की ठीक है ध्यान रखना ठीक है और ये कैसे एक्सपेंडिचर आएगा ये रिसिप्ट के थ्रू आएगा बोरिंग को छोड़ के दैट इज थर्टी सेवन थाउजेंड जीरो सिक्स नाइन करोड़ ये एस्टिमेटेड है एंड बोरोइंग जो होगी वो होगी ग्यारह करोड़ की ठीक है और अगर हम 2021-22 की टोटल रिसिप्ट की बात करें अदर देन बोरोइंग एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एंड एनुअल इंक्रीज ऑफ 10 परसेंट ओवर 2019 तो बोरोइंग जो है 2021 और 22 की वो 19 और 20 से 10 परसेंट ऊपर बोरोइंग नहीं रिसिप्ट सॉरी रिसिप्ट जो है वो 10 परसेंट बढ़ने वाली है एस्टिमेटेड है ये कितने परसेंट बढ़ने वाली है रिसिप्ट टेन ठीक है इसमें बोरोइंग नहीं डाली हमने ठीक है क्लियर है।, है तो रिसिप्ट जो बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये पचास हज़ार एक करोड़ जो है ये हम कहाँ से लेके आने वाले हैं ये रिसिप्ट हमारे पास जो आ रही है किस और रिसिप्ट आ रही है हमारे सैंतीस हज़ार सिक्सटी नाइन करोड़ की और एक ग्यारह हज़ार सात सौ इकतीस करोड़ की क्या आ रही है हमारे पास बोरोइंग आ रही है अगर हम 2019 के 20 के कंपेटिव करें तो 10 परसेंट क्या कर रहा है ये हम बोरोइंग जो है रिसिप्ट जो है वो हमारी बढ़ रही है रिसिप्ट यानी हमारा टैक्स कलेक्शन वगैरह ये सब दस परसेंट बढ़ रहा है है ना इसमें हम देखेंगे जीएसटी कैसे रोल प्ले करता है तो ये देखेंगे ठीक है ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्लियर है तो रिसिप्ट इंक्रीज हो रहा है अगर हम उन्नीस बीस से कंपेयर कर रहे हैं खैर बीस इक्कीस की बात छोड़ो है ना रिवाइज एस्टिमेशन की अगर हम बात करें ये बीस इक्कीस का है ठीक है अगर हम बीस इक्कीस की रिवाइज एस्टिमेटेड फॉर दो हज़ार बीस इक्कीस की बात करें दो हजार बीस इक्कीस की अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बेटे ये रिवाइज है ये ध्यान रखना ठीक है अभी हमारे पास एक्चुअल नहीं है क्या है ये रिवाइज है ठीक है तो ये कह रहा है बीस और इक्कीस की रिसिप्ट जो रिसिप्ट है अदर देन इज एस्टिमेटेड टू बी सेवन परसेंट लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा वो इंक्रीज कह रहा था उन्नीस बीस के साथ जब हम इक्कीस कंपेयर कर रहे थे ये तो सात परसेंट क्या कह रहा है लस्ट जो बीस से इक्कीस में हमने क्या किया था एस्टिमेट किया था जैसे हमने अभी अभी एस्टिमेट किया है हमने अभी एस्टिमेट किया है कि हम इतना परसेंट ओवर दी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जाएंगे लेकिन अगर एक्सपेंडिचर की, की बात करें रिसिप्ट की बात करें इससे हम जितना जाएंगे हम ये जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसका भी सात परसेंट क्या हुआ है कम हुआ है वाइल्ड द टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी नाइन परसेंट हायर वेयर एज एक्सपेंडिचर क्या हो गया नौ परसेंट ज़्यादा बढ़ गया है बीस और इक्कीस अगेन ठीक है रेवेन्यू डेफिसिट क्या कह रहा है एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड टू हैव रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ चार सौ तेईस करोड़ विच इज पॉइंट टू सेवन ऑफ जी ठीक है ये ध्यान रखना बीस इक्कीस का एंड इन दो हजार बीस एंड इक्कीस एज पर रिवाइज एस्टिमेटेड दिजिकल डेफिसट इज इज एस्टिमेटेड अराउंड फोर पॉइंट वन टू परसेंट मैंने पहले बताया विच इज लोअर देन फाइव परसेंट लिमिट अलाउड बाई देंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट जो कि अच्छी बात यह है कि परसेंट कम है जो कि अलाउड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं के लिए हम क्या estimate कर रहे हैं, ठीक है Again, 21, 22 के लिए हम क्या है? वो है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट इन दो हजार इक्कीस बाईस हम कह रहे हैं लास्ट बीस इक्कीस हमने कहा था कि हम थोड़ा नीचे ले आए लेकिन अभी हम एस्टिमेट ये लगा रहे हैं कि इतना जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट होगा हमें जीडीपी का इतना परसेंट फिजिकल डेफिसिट है हमें कितना अलाउ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को चार परसेंट हम उससे ज़्यादा चले गए फोर पॉइंट फाइव टू परसेंट की बात कर रहे हैं ये स्टार पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आपने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो ठीक है वहीं पर इक्कीस बाईस के लिए जो एस्टिमेटेड है रेवेन्यू डेफिसिट जो है वन करोड़ ठीक है ये आपने ध्यान रखना है रेवेन्यू डिफिशिट कितना है वन फोर सिक्स थ्री करोड़ हमने एस्टिमेट किया है रेवेन्यू डिफिशिट का ठीक है तो रेवेन्यू डिफिशिट का एस्टिमेशन हमने ये देखी है ये आपने ध्यान रखना है ठीक है और रिवाइज एस्टिमेशन की बात करी और रेवेन्यू डिफिशिट दोनों चीज़ों की हमने बात करी क्लियर है अगर हम बजट के जो की फिगर्स अगर हम देखें और जो भी हमारे 2021 और 22 के कब के 21 और 22 के जो हम की फिगर अगर हम नोटिस करते हैं ठीक है यहाँ पे आपने हमने 21 22 ये हमारा एस्टिमेटेड बच्चे तो ये देखना आपने ये एस्टिमेटेड है हमारा और ये हमारे लास्ट वाले हो गए तो एस्टिमेटेड देखें इस बार का तो हम इक्कीस बाईस के लिए तो फिफ्टी थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी वन नाइन टू करोड़ का क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर है और इस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें ठीक है अगर हम इसमें टोटल रिसिप्ट की बात करें रिसिप्ट क्या बेटा ए प्लस बी ए मतलब रिसिप्ट बी मतलब बोरोइंग ठीक है ए प्लस बी इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये ए प्लस बी हमारा टोटल रिसिप्ट आया था फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ जिसमें कि थर्टी सेवन थाउजेंड हम क्या कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट कर रहे हैं कमाएंगे हम लोग और बोरोइंग जो कर रहे हैं ग्यारह हज़ार सात सौ तीन करोड़ की कर रहे हैं ठीक है जी हमने देना है रेवेन्यू बैलेंस हमारे पास नेगेटिव आ रहा है देखो माइनस वन फोर सिक्स थ्री करोड़ की तो ये रेवेन्यूट वन फोर सिक्स थ्री परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हो गया कितना हो गया माइनस पॉइंट एट फाइव परसेंट ठीक है एज परसेंट ऑफ जीडी रेवेन्यू बैलेंस अगर हम फिजिकल डेफिशिट की बात कर रहे हैं फिजिकल डेफिशिट की बात करें तो अगेन यहाँ पे अगर हम नोटिस करें दो हज़ार इक्कीस में हमारे पास फिजिकल एस्टिमेटेड कितना है सात हज़ार सेवन हंड्रेड एंड सेवन सेवन थाउजेंड एंड 789, हंड्रेड एट्टी नाइन विच इज़ अगेन फोर अभी हमने बात करी थी जो कि हमारे को लिमिट कितनी मिल रही है 4 परसेंट की लेकिन हम फिर भी उससे सेंटर ने कितनी लिमिट दी है हमें फिस्कल डेफिसिट की 4 परसेंट की लेकिन हम एस्टिमेटेड कितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा दैट इज़ 4.52 हमारे इस बजट में है ये आपने देखना और वहीं हमारी प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये दो की बात हो रही है और विच इज अगेन हायर जो कि हमें ज़्यादा दिखता है एज परसेंट ऑफ जी 1.6 परसेंट तो प्राइमरी परसेंट जो डेफिशिट भी है वो भी वन पॉइंट सिक्स वन परसेंट जो है हमें दिखता है ठीक है ये ध्यान रखना आपने तो ये आपने टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर हमने दोनों की बात करी ठीक है तो ये रीज़न है तो टोटल एक्सपेंडिचर इतना हमारा और टोटल रिसिप्ट इतना है ठीक तो है थेके? ये एक्सपेंडिचर ये हमारा रिसिप्ट तो नुकसान तो दिख ही रहा है आपको पचास एक सौ बयानवे और रिसिप्ट क्या बोइइंग करने के बाद भी हमारे पास नुकसान दिख रहा है ये आपने नोटिस किया होगा ठीक है ठीक है तो ये बजट भी एस्टिमेटेड है जो हमने बात करी है एक और चीज़ हम अगर देखना चाहते हैं लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है अगर हम दो हज़ार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये प्रपोज कितना है इक्कीस बाईस के लिए ग्यारह करोड़ सात इज एक एनुअल डिक्रीज़ है ये उन्नीस बीस से तीन परसेंट की डिक्रीज आती है ठीक है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा क्या क्या इंक्लूड होता है देखो ठीक है जो हमारे एसेट्स एंड लाइविटी ऑफ द स्टेट जो है ठीक है एक्सपेंडिचर अफेक्टिंग द एसेट्स एंड लाइविटी ऑफ द स्टेट्स कौन सा कैपिटल आउटले दैट इज एक्सपेंडिचर लीड्स टू दी क्रिएशन ऑफ एसेट्स कैपिटल बेटा जो लॉन्ग टर्म चीज है हमारे लिए करके देता है जैसे ये ब्रिज और हॉस्पिटल्स हो गए ठीक है जैसे रीपेमेंट एंड ग्रांट्स ऑफ लोन बाय स्टेट गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है और याद याद रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा स्टेट का है जो हमने प्रपोज किया है ग्यारह करोड़ तो ये दो और बीस से तीन परसेंट जो है कम है ये ध्यान रखना ठीक थी। है ये ध्यान रखना है और वहीं पे हमें किस और कैपिटल आउटले की बात करें साठ साठ छः हजार एक सौ तेरह करोड़ की बात करें इंक्रीज़ एट एन एनोलाइज रेट ऑफ आठ परसेंट ओवर दो हज़ार उन्नीस बीस तो वो हम देख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें इक्कीस बाई के प्रपोज है थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी वन करोड़ एनुअल इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम उन्नीस बीस से कंपेयर करते हैं कितना परसेंट इंक्रीज बेटा बारह परसेंट ये क्या हुआ है डिक्रीज ये क्या हुआ है इंक्रीज ठीक है उन्नीस बीस के साथ दिस इंक्लूड एक्सपेंडिचर सच एस पेमेंट ऑफ सैलरीज पेंशन इंटरेस्ट ये हम एक्सपेंडिचर की बात है ये रेवेन्यू तो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है किसकी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बेटा बड़ा ही है ठीक है चाहे वो सैलरीज़ की बात हो पेंशन इंटरेस्ट क्योंकि ये कमिटेड एक्सपेंडिचर है मैक्सिमम खासतौर से सैलरी पेंशन इंटरेस्ट ये कमिटेड एक्सपेंडिचर ये जाना ही जाना है कमिटेड है, है ना तो ये इंक्रीज़ हुआ ही है उन्नीस बीस से ऊपर ठीक है थेके? और अगर हम जो हमारे पास रिवाइज एस्टिमेटेड है बीस और इक्कीस की अगर हम उसकी बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बीस और इक्कीस ठीक है एस्टिमेटेड टू बी एट परसेंट लोअर देन दी बजट एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी है जो एस्टिमेटेड किया है हमने उससे लोअर जो बजट में किया था हमने डिसाइड बीस और इक्कीस का आठ परसेंट कम है और नाइन परसेंट रिड्यूस कर गया उसने पूरी तरह से रिडक्शन हो है सारे सारे की सारी चीज़ें हमने ये देखा है ठीक है ये आपने ध्यान रखना है अगर हम एक्सपेंडिचर बजट देखते हैं इक्कीस बाईस का ये एक्सपेंडिचर बजट हमारे पास है <coughs> 2021 और 22 का अगर हम एक्सपेंडिचर बजट देखते हैं ठीक है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 11,701 करोड़ हमने बात बात की थी जो कि डिक्रीज अगर हम 19 बीस और इससे कंपेयर करते हैं तो माइनस तीन परसेंट का डिक्रीज दिखता है हमें इसमें ठीक है कैपिटल आउटले कितना है इसमें छः हज़ार एक तीन करो जो थोड़ा इंक्रीज़ दिखता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना अभी हमने बात करी थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी वन टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो पचास हज़ार एक सौ बयानवे अगेन एट परसेंट का हमें यहाँ पर दिखता है क्लियर है इंक्रीज uh, दिखता है ठीक है और अगर हम डेट रिपेमेंट की बात करते हैं डेट हमने जो रिपेमेंट करना है ठीक है अगर हम डेट रिपेमेंट की बात करते हैं तो पाँच करोड़ रुपए जो है हम लोग डेट रिपेमेंट कर रहे हैं और अगर इंटरेस्ट रिपेमेंट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रिपेमेंट हमारे पास फाइव थाउजेंड एटीन करोड़ और इसलिए डेट सर्विसिंग क्योंकि मैंने कहा ना डेबिट डेफिशट फाइनेंसिंग है तो डेट जो भी हम दे रहे हैं इंटरेस्ट रिपेमेंट में के तो दस करोड़ है जिससे अगेन माइनस आ जाता है हमारे पास तो डेट और इंटरेस्ट दोनों को मिला के ये आपने ध्यान रखना अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन देखें बेटा ठीक है सेक्टरवाइज एक्सपेंडिचर देखते हैं तो हम उन सेक्टर की बात कर लेते हैं जो अराउंड सिक्सटी परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर जो ले लेते हैं ठीक है तो इक्कीस बाईस में जब हम देखते हैं सेक्टर एलोकेशन तो की तो सेक्टर जो है हम लोग वो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो की सेक्टर एलोकेशन है उनके ऊपर हम देख लेते हैं उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे तो सेक्टर एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम सेक्टर एलोकेशन जो हिमाचल के अंदर जो मैक्सिमम मैक्सिमम एलोकेशन जा रही है दैट इज़ टू एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर तो नंबर वन पे एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर जो है वो नंबर वन पे हैं और इसको अराउंड दो हज़ार में हमने हमने एस्टिमेट किया अराउंड एट करोड़ रुपीज़ के आसपास हमने आठ ठीक है तो ये हमने ध्यान रखना और इसमें से भी स्वर्व शिक्षा अभियान के ऊपर अराउंड टू करोड़ और एट्टी करोड़ जो है मिड डे मील में जा रहा है दूसरे नंबर पर जो एलोकेशन जा रही है दैट इज़ फोर थाउजेंड फोर फोर ट्वेंटी फोर्टी सिक्स पे याद रखना बेटा फर्स्ट नंबर पे क्या है एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर दूसरे नंबर पे रोड्स एंड ब्रिजेस जो कि चार हजार छियालीस करोड़ रुपए जो कि अराउंड चार परसेंट इंक्रीज माना जा रहा है जिसमें तीसरे नंबर पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है तीसरे नंबर पे क्या है बेटा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एग्रीकल्चर फोर्थ नंबर पे आ रहा है टू सेवन थ्री जीरो के साथ दो हजार सात सौ तीस करोड़ रुपए ठीक है वाटर सप्लाई सैनिटेशन हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है तो इसके लिए टू करोड़ एलोकेशन है सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन में अगेन दो पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं और पुलिस के लिए ये जिसमें से कि 784 डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए जाएगा अराउंड 1,527 करोड़ रूरल डेवलपमेंट 1,377 करोड़ इरिगेशन के लिए 842, फ्लड कंट्रोल इरिगेशन के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 728 करोड़ ठीक है जिसमें से कि म्यूनिसपैल्टी म्यूनिसपल को 168 और स्मार्ट सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 74 करोड़ रुपीज़ स्मार्ट सिटी इसके लिए कितना 74 करोड़ रुपीस ये 2021-22 के बजट में हमने एस्टिमेट किया है तो अगर यहाँ अगर कोई सेक्टर एलोकेशन की बात करता है ये सेक्टर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ लगा रहे हैं हम पैसा तो वो पैसा हम जो लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा हम एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर पर लगा रहे हैं ठीक है जिसको हमने आठ ठीक है ये हमने ध्यान रखना है इसमें से भी हम लोग देखेंगे अराउंड टू हंड्रेड एट्टी नाइन करोड़ तो हम सर्व शिक्षा अभियान पर लगाने की बात कर रहे हैं और एट्टी वन करोड़ मिड डे मील पर ठीक है सेकेंड नंबर पर रोड्स एंड ब्रिजेज़ हैं थर्ड नंबर पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ला ये तीन याद चौथे नंबर पर एग्रीकल्चर लाइट एक्टिविटीज़ आता है बेटा ठीक है इंपॉर्टेंट चीज़ है पुलिस के लिए हम काफ़ी अच्छा दैट इज़ आ रहा है ठीक है ये हमने ये सब चीज़ें मिला के अराउंड सिक्सटी परसेंट कवर कर जाता है जमते हैं मैंने पहले ही बात की थी कमिटेड एक्सपेंडिचर हमारा होना ही होना है और कमिटेड एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं सैलरीज पेंशन इंटरेस्ट अगर इसकी बात करते हैं और बजट का देश के अंदर फिफ्टी परसेंट जो है बजट का कमिटेड एक्सपेंडिचर पे लगता ही लगता है जब हम कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ठीक है ये भी आपने ध्यान रखना है जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो अच्छा रिसिप्ट चले जाते हैं एक बार थोड़ी सी रिसिप्ट की बात करते हैं एक्सपेंडिचर तो हमने कर लिया अब जरा रिसिप्ट देखते हैं और रिसिप्ट पे जाएं हम लोग तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें इक्कीस बाईस एस्टिमेटेड है अगेन ये कौन सी रिसिप्ट है बेटा एस्टिमेटेड आएगी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट इक्कीस बाईस एस्टिमेटेड ठीक है ये हमने कहा थर्टी सेवन थाउजेंड ट्वेंटी एट करोड़ एनुअल इंक्रीज दस परसेंट ओवर एक्चुअल रिसिप्ट उन्नीस बीस से दस परसेंट का इंक्रीज दिखा रहे हैं ठीक है ऑब दिस इतना इतना करोड़ विल बी रेज बाई द स्टेट थ्रू इट्स ओन रिसोर्सेज तेतीस परसेंट अपने रिसोर्स से रेस करने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट थर्टी थ्री परसेंट अपने रिसोर्स से हम रेस करने वाले वेयर एज जब हम बात कर रहे हैं कि भाई सिक्सटी सेवन परसेंट जो है वो हमें सेंटर देने वाला है तो सेंटर कितना देने वाला है हमें सिक्सटी सेवन परसेंट अब सेंटर फ्री में तो देगा नहीं एड ही है एक तरह की ए, 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 सेंटर एलोकेशन है वो किस फॉर्म में आ रही है एलोकेशन में कितने किस एड फॉर्म में आ रही है या हमारे टैक्सेस फॉर्म में आ रही है किस फॉर्म में अगर वो एड कम है तो अच्छी बात है लेकिन अगर वो टैक्सेस फॉर्म में आ रही है तो हम देख लेंगे भाई किस फॉर्म में वो आती है तो ये भी हमें ध्यान में रखना है ठीक है और स्टेट सेंट्रल टैक्सेस और इसमें से ये भी बता रहे हैं रिसोर्स फ्रॉम द सेंटर विल बी इन द दे फॉर्म ऑफ स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस पंद्रह परसेंट ऑफ रेवेन्यू और, और ग्रांट्स जो हैं फिफ्टी पर थ्री परसेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ठीक है तो ग्रांट्स देख लो बेटा फिफ्टी थ्री परसेंट इस 67 में से 53% थ्री परसेंट ग्रांट्स जो आ रहे हैं है, उसमें ज्यादा अगर हम डिवोल्यूशन की बात करें दो हजार -20 में अगर हम रिवोल्यूशन देखते हैं तो स्टेट शेयर इन सेंटर टैक्स एस्टिमेट टू बी 5,524 करोड़ एनुअल इंक्रीज ऑफ 9 परसेंट का एनुअल इंक्रीज है अगेन 19-20 के साथ कंपेयर किया हमने एस्टिमेशन 2020 के लिए 30 परसेंट लेस देने जो बजट में हमने 20, 21 में बनाया था उसका 30 परसेंट कम आ चुका हो, हो, हो रखा है तो यू कैन इमेजिन कहां जा रही है ठीक इतना, इतना तो, इतना, इतना। है ये भी आपने ध्यान रखना है ओन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं टोटल ओन टैक्स रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश टू बी नौ हजार दो सौ बयासी करोड़ दो हजार इक्कीस एस्टिमेट कितना किया हमने हम की नौ हजार दो सौ बयासी करोड़ का हमारे पास क्या आने वाला ओन टैक्स आना है जो कि एनुअल दस परसेंट का इंक्रीज है उन्नीस बीस में द ग्रोथ रेट फॉर फॉर ओन टैक्स रेवेन्यूज एस्टिमेटेड टू बी हायर देन ग्रोथ रेट ऑफ जी डी पी तीन परसेंट ठीक है द ओन टैक्स ऑफ जी डी जो जी डी पी रेशियो जो है ओन टैक्स और जी डी पी रेशियो जो है इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज फ्रॉम फोर पॉइंट सेवन जो कि उन्नीस और बीस में तो फाइव पॉइंट फोर परसेंट तो उन्नीस बीस में फोर पॉइंट सेवन है और इक्कीस बाईस में बीस इक्कीस तो हमने निकाल रखा बीच में से इक्कीस बाईस में इट विल बी फाइव पॉइंट फोर सेवन फाइव पॉइंट फोर अगर हम जी डी पी के साथ ओन टैक्स रेशियो रेशियो जी डी पी और टैक्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये इंक्रीज़ हो रहा है जी डी पी टैक्स रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है ये भी आपने ध्यान रखना है ठीक है इंक्रीज़ हो रहा है ध्यान रखना जी डी पी टैक्स रेशियो इंक्रीज़ अगर उन्नीस बीस के साथ कंपेयर किया हमने ये इंपॉर्टेंट एक और बात हम जी डी सी जी एस टी कम्पनसेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे जी एस टी कम्पनसेशन की अगर हम बात करें देखो आपको पता होगा जी एस टी कम्पेशन एक्ट 2017 में जब आया था तो ये फॉर फाइव ईयर्स दो कहा था टिल 2022 फॉर एनी रेवेन्यू लॉस अराइजिंग ड्यू टू जी एस टी इम्प्लीमेंटेशन जो भी है तो पाँच साल एक्चुअल एक्ट एक ने गारंटी किया था कि भाई फोर्टीन परसेंट एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंडियर जी एस टी रेवेन्यू फेलिंग विद द कंपनसेशन ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट फॉर टू मीट द शॉर्टफॉल ठीक है और दीज ग्रांट्स आर फंडेड थ्रू जी एस टी कम्पनसेशन सेल्स डिवाइड बाई दी सेंटर ये सिर्फ करे जाएंगे ये ठीक है और बीस इक्कीस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था ठीक है तो अगर हम एज पर द रिवाइज एस्टिमेट हिमाचल प्रदेश एस्टिमेटेड टू तो रिसीव कितना रिसीव करना था हिमाचल प्रदेश ने थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स जीएसटी कंपिशन ग्रांट एस्टिमेशन ऑफ जीएसटी कम्पिशन लोन्स है ठीक है एंड हावेर एज पर रिलीज यूनियन फाइनेंस मिस्ट्री ने वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी वन करोड़ रुपीज जो है वो अवेल किया है जीएसटी कंपेशन लोन अगर एस्टिमेट की बात करें इक्कीस बाईस में तीन हजार आठ सौ चौंतीस करोड़ जीएसटी का ये ध्यान रखना है आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2122 में हमने ये कहा है कि भाई इतना कंपनसेशन चाहिए जीएसटी का हमें 3834 करोड़ ठीक है जो 19 और 20 का डबल है जो 19 और 20 का डबल है इतना कंपनसेशन मांग रहे हैं हम लोग जीएसटी के लिए ठीक है 10% ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाएगा कितना माना जाएगा रेवेन्यू रिसीप्ट का 10% जीएसटी इंप्लीमेंटेशन जो लॉसेस का है 10% ऑफ जो आपने ध्यान रखना है ठीक है ध्यान रखना आपने क्लियर है ए थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी फोर करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन हम मांग रहे हैं यह ध्यान रखना तो जीएसटी कंपनसेशन भी है हमारे पास ठीक है ये ध्यान रखना अगर हम 2021 हजार की कलेक्शन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन एस्टिमेटेड अगेन हमने कितना एस्टिमेट किया है कि हम 4,142 हजार एक करोड़ कलेक्ट कर, करके देंगे एनवल इंक्रीज ऑफ आठ परसेंट है दो हज़ार उन्नीस से टू बी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू तो स्टेट जीएसटी जो है हमें सबसे ज़्यादा टैक्स 45 परसेंट देने वाला है ठीक है टैक्स की अगर बात करें स्टेट जी एस टी में मैक्सिमम देने वाला 45 है फोर्टी ये एस्टिमेटेड है ठीक है अगर बीस में देखें तो जो हमने बजट एस्टिमेट किया था मान लो जैसे अभी इसमें हमने अभी पैंतालीस परसेंट एस्टिमेट किया है ठीक है तो पैंतीस परसेंट आया तो बीस इक्कीस में हमने देखा दस परसेंट लोअर टेन परसेंट क्या हुआ घटा है ये ध्यान रखना है सेम वे अगर हम इक्कीस बाईस में हिमाचल प्रदेश एक्सपेक्ट टू जनरेट एक हजार छह सौ करोड़ वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री करोड़ रुपीज जो है वो सेल टैक्स और वैट से हम लेके आ रहे हैं जो कि उन्नीस परसेंट का इंक्रीज है उन्नीस बीस से लेकिन अगर हम इक्कीस बाईस टैक्सेज एंड ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी लैंड रेवेन्यू की बात करें तो so 2019-20 से डबल हो जाएगा ये हम एस्टिमेशन लगा रखी है जो हम लेके आने वाले कहाँ से जो हम जनरेट करने वाले हैं टैक्स किससे वैट से सेल टैक्स से, टैक से? वैट से? से और जो पावर से हैं इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें या लैंड रेवेन्यू उस से उससे हम डबल करने वाले हैं लेट्स सी ये होगा कि नहीं बात की बात रिवाइज एस्टिमेटेड अगर हम बात करें इक्कीस बीस इज हायर शॉर्टफॉल हाई शॉर्टफॉल है बीस इक्कीस की बात करें जो भी हम लोग देख सकते हैं सारा के सारा शॉर्टफॉल ही है ठीक है और स्टैंप ड्यूटी भी हमारे पास कमी दिखी है ये इससे भी पता लग जाता है ठीक है अगर हम स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो स्टेट जीएसटी हमें देता है 21 बाईस में हम जो एस्टीमेट लगाया वो 4142 थाउजेंड वैट हमने एक करोड़ रुपए हमने यहाँ से बोला है एक्साइज से एक करोड़ रुपए है ना वहीकल टैक्स से हम चार हज़ार अट्ठासी करोड़ रुपए और स्टैम्प ड्यूटी से तीन करोड़ हमने एस्टिमेट किया है और इलेक्ट्रिसिटी चार करोड़ रुपए और लैंड रेवेन्यू से हम तेईस करोड़ रुपए हम लोग कह रहे हैं कि हम टोटल हम जो है जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट जो हम मांग रहे हैं 3834 की हम टैक्स कलेक्ट करके हम किससे सेंटर से रख से रहे हैं ठीक है और हिमाचल प्रदेश की अगर हम एफ एक्ट की प्रोविज़न के अंदर हम बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया कि एफ अगर हम देखें तो 2021-22 में द स्टेट एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 0.85 परसेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ 0.85 परसेंट ऑफ जीडीपी हम जो है रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेट कर रहे हैं ठीक है क्लियर है और हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होना है 2024-25 तक ठीक है एक और फिजिकल रोड मैप है 21 से छब्बीस आपको पता है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन आ चुकी है ठीक है फोर्टीन फाइनेंस कमीशन वाई बी रेड्डी के चेयरमैनशिप के अंडर थी फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन एन सिंह के अंडर है ठीक है पाँच साल की फाइनेंस कमीशन आर्टिकल टू uh, एटी के अंडर हम फाइनें फाइनेंस कमीशन बनाते हैं और पाँच साल के लिए बनाई जाती है फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो uh, फिजिकल डेफिसिट टारगेट स्टेट्स को जो दिए हैं ठीक है परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट को 2021 से लेकर 26 के लिए जो टारगेट्स दे रखे हैं ठीक है वो आपने ध्यान रखना है इक्कीस से छब्बीस uh, के बीच में तो चार परसेंट दो हज़ार इक्कीस बाईस थ्री पॉइंट फाइव परसेंट दो हज़ार बाईस तेईस तीन परसेंट हम देखो हमने पहले कह दिया है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो ज़्यादा होने वाला है फोर चार परसेंट से टारगेट कितना दे रखा है इक्कीस बाईस के लिए चार परसेंट हमने पहले बजट में कह दिया हिमाचल ने कि ये चार परसेंट से ज़्यादा होने वाला है ठीक है थ्री पॉइंट फाइव परसेंट दो हज़ार बाईस तेईस और थ्री परसेंट फॉर दो हज़ार तेईस से छब्बीस के बीच में ठीक है कमीशन एस्टिमेट डेट दिस पार्ट विल बी इनेबल हिमाचल टू ब्रेंक डाउन इज टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम थर्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट जो हमारा है एंड इन 2021 हज़ार बीस इक्कीस टू थर्टी एट द एंड ऑफ इतना इतना पच्चीस छब्बीस तक ये इसने एस्टिमेट किया है लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं बात की बात है लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि इस कमीशन ने हमें ये बोला था कि चार परसेंट फिजिकल डेफिसिट रखना है इक्कीस बाईस में और हमने चार से ज़्यादा फोर पहले ही बोल दिया कि इससे ज़्यादा है हमारे पास ठीक है ठीक है ये ध्यान रखना है और अगर हम एलोकेशंस की बात करें अगर हम एलोकेशंस की बात करें 2020 और 21 में जो हमने एलोकेशंस करी थी ठीक है तो उस एलोकेशन के अकॉर्डिंग चलें और एक इक्कीस बाईस के अकॉर्डिंगली हमारे एलोकेशन करें तो हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है तो एजुकेशन हिमाचल प्रदेश एलोकेटेड याद रखना बेटा पॉइंट 18.6 परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन किया है किसके लिए एजुकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन 18.6 परसेंट हेल्थ 6.7 परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर ठीक है हेल्थ के ऊपर दो इक्कीस बाईस में ठीक है ध्यान रखना उसके बाद हेल्थ के बाद अगर हम आते हैं कि अगर हम हेल्थ की बात करें सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट एग्रीकल्चर सिक्स पॉइंट वन परसेंट ठीक है और अगर हम कहें रूरल डेवलपमेंट थ्री पॉइंट वन परसेंट कितना थ्री पॉइंट वन परसेंट पुलिस की बात करें तो थ्री पॉइंट फोर परसेंट रोड ब्रिजेस की बात करें नाइन पॉइंट वन परसेंट अगर हम इसको कंपेयर करें सेंट्रली अगर हम कई चीज़ों के साथ कंपेयर करें तो स्टेट एज एलोकेट जैसे एग्रीकल्चर हमने कहा टोटल एक्सपेंडिचर का हमने इतना कहा इतना है और एवरेज एलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाई स्टेट्स इज सिक्स पॉइंट थ्री हम एवरी जो स्टेट्स कर रहे हैं उसके बराबर ही एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो अगर हम एवरेज एलोकेशन सारे स्टेट्स की बात करें तो सिक्स पॉइंट वन है हम काफ़ी नीचे हैं विच इज़ वेरी लेस तो ये हमें ध्यान रखना है सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट वन है तो ये काफ़ी लेस है तो इस पर हमने थोड़ा फोकस करना है जो वैन वी वैन वी टॉक अबाउट एलोकेशन एलोकेशन्स की जब हम बात करते हैं तो एलोकेशन यहाँ पे देखो एजुकेशन में एट्टीन पॉइंट परसेंट की बात करिए हेल्थ पे सिक्स पॉइंट सेवन एग्रीकल्चर सिक्स पॉइंट वन ठीक है रूरल डेवलपमेंट थ्री पॉइंट वन पुलिस के लिए थ्री पॉइंट फोर और रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए नाइन पॉइंट वन परसेंट एलोकेशन आपने ध्यान रखनी है ठीक है तो ये आपने ध्यान रखनी है ये बातें आपको सब ध्यान रखनी पड़ेगी ठीक है और शेयर ऑफ स्टेट्स एंड डिविजल पुल्स अगर देखते हैं सेंटर के साथ हम ये अगर देखना चाहते हैं तो अगर सेंटर और इस्टेट का हम शेयर देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स फोर्टीन और फाइनेंस कमीशन पीरियड के बीच में तो हिमाचल प्रदेश में हमने हम देखा होगा कि भाई 2021 से 26 के लिए जो हमने एस्टिमेट किया है दैट इज़ पॉइंट थ्री फोर परसेंट पॉइंट थ्री फोर के बाद क्या बात कर रहे हैं परसेंटेज चेज तेरह पॉइंट सिक्स परसेंट का है पहले पॉइंट थ्री ज़ीरो था और फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में और फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन में इट इज़ पॉइंट थ्री फोर कितना है पॉइंट थ्री फोर ये हमने ध्यान रखना है इक्कीस से छब्बीस तक तो पहले ये पॉइंट थ्री जीरो था ठीक है अब ये पॉइंट थ्री फोर है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन में फोरटीन में कितना था पॉइंट थ्री जीरो तो ये क्या हुआ है बेटा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है जब हम बात करते हैं एलोकेशन की जब हम कैसे कहें स्टेट शेयर ऑफ स्टेट्स इन डिविजल पूल की बात करते हैं हम लोग तो तो यहाँ अगर डिविजल पूल की बात करें हिंदुस्तान के अंदर तो हाईएस्ट जो डिविजल पूल की अगर हम बात करें इंडिया में तो हमारे पास एक उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास हाईएस्ट है दैट इज सेवन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ये आपने ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर टैक्स की बात करें तो हमने कहा था 2021-22 के लिए 5,524 का टैक्स डेवोल्यूशन हुई है ये भी आपने ध्यान रखना है ठीक है अगर हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं रिवाइज एस्टीमेट का और रिवाइज एस्टिमेटेड एज वेल एज दी रिसिप्ट का भी और एक्सपेंडिचर का भी अगर हम रिसिप्ट का देख लें रिसिप्ट का देख लें तो वन प्लस टू देट इज़ वन रेवेन्यू रिसिप्ट ठीक है इसको और टू इज़ कैपिटल रिसिप्ट दोनों को कैपिटल रिसिट में बहुर आ जाए रेवेन्यू रिसिप्ट में देखो ओन टैक्स रेवेन्यू ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू और शेयर इन कैपिटल ग्रांट इन नीड इन चारों को मिला अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो अगर इक्कीस बाईस एस्टिमेटेड देखें तो सैंतीस हज़ार ठीक है 28 की बात करी थी हमने यहाँ पैंतीस हज़ार था यहाँ सैंतीस हज़ार है अगर बीस इक्कीस में जो एस्टिमेटेड था और अगर हम यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ग्यारह हज़ार सात सौ बहत्तर रुपये ठीक है ये आपने ध्यान रखना है तो यहाँ इसमें बोरिंग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ही थी ये आपने ध्यान रखना है तो ये हमारे पास रिसिप्ट हो गए अगर हम रिसिप्ट की बात करें टोटल रिसिप्ट हमारे पास आ जाती है फोर्टी एट थाउजेंड कितना गया फोर्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ये हमारा इस साल का टोटल रिसिप्ट आ जाता है और अगर एक्सपेंडिचर के बाद की बात करें तो फिफ्टी थाउजेंड वन नाइन टू एक्सपेंडिचर में जाएं जो मैं पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ फिफ्टी थाउजेंड वन नाइन टू जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थर्टी एट है कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्यारह हज़ार है कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोनों चीज़ें कैपिटल आउटले डेट रिप रीपेमेंट दोनों चीज़ें आ जाती है और रेवेन्यू बैलेंस इतना हमारे पास ही जिसकी वजह से हमारे पास फिजिकल डेफिशिट ही आ गया ये सारा टोटल परसेंटेज फिजिकल डेफिशिट का परसेंटेज आ गया और ये हमारे पास रेवेन्यू डेफिशिट का परसेंटेज भी आ गया ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है तो दीज आर दैरामीटर जो हमने डिस्कस कर लिए सारे बजट के हिमाचल के ठीक है और अगर हम टैक्स के की बात करें भाई की सेक्टर्स के टैक्स के की अगर हम बात करें एलोकेशन टूवर्ड्स की सेक्टर्स तो हमने पहले ही बताया था एजुकेशन के लिए हमने सब ज़्यादा एलोकेशन कर रखी है हमने हम पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है ठीक है ये एजुकेशन सेक्टर्स के लिए हमने एलोकेशन की बात करी फिर रोड ब्रिजेस हेल्थ ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है अब कुछ हाइलाइट्स जो हमने बात की थी ये आपने ध्यान रखनी है फटाख फटाक से मैं बता देता हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हम गवर्नमेंट टारगेटेड थर्टी थाउजेंड फंक्शनल पोस्ट जो है तीस हज़ार फंक्शनल पोस्ट इक्कीस बाईस में पूरी करेंगी जिसमें कि हेल्थ सेक्टर में चार हज़ार हैं ठीक है टीचिंग सेक्टर में चार हज़ार हैं मल्टी टास्क में आठ हज़ार हैं मल्टी टास्क पार्ट टाइम पी डब्ल्यू डी एजुकेशन डिपार्टमेंट आठ हज़ार पी डब्ल्यू में पाँच हज़ार और ये कह रहा है कि ये सब अनाउंसमेंट है बेटा और पाँच हज़ार पोस्ट पैरा फिल्टर्स वगैरह इसमें जा रहे हैं बाकी गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रपोज़ किया है वो भी आप देखना है आठ हज़ार चौबीस करोड़ एजुकेशन ड्यूरिंग इतना है पाँच हज़ार हॉटिकल्चर के फाइव फोर्टी थ्री करोड थ्री थाउजेंड करोड़ हेल्थ सर्विस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है नेक्स्ट अगर स्टेट इकोनॉमी की हमने बात की थी ये ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टेट इकॉनॉमी हिमाचल के परस्पेक्टिव में अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं तो टैक्स रेवेन्यू से हमें कितना आया ये हम पहले नोटिस करेंगे टैक्स रेवेन्यू से कितना आया इंपॉर्टेंट है हमने ठीक है रेवे रिसिप्ट है टैक्स रेवेन्यू ये देख सकते हो सेवनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी से नाइन करोड़ रुपीस और नॉन टैक्स रेवेन्यू से हमारे पास देखिए टू सेवन फाइव थ्री यानी और ग्रांटी नेड इतना हो गया ठीक है कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल अकाउंट से इतना है पब्लिक अकाउंट से इतना है तो कैपिटल अकाउंट मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ नोटिस कर सकते हैं आप कैपिटल अकाउंट मेजर रोल प्ले कर रहा है देख रहे हो ठीक है और पब्लिक अकाउंट बिल्कुल कम वहीं पर अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो ग्रांट इन एड सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है देख रहे बेटा ग्रांट इन एड सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है एंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रोल प्ले कर रहा है टैक्स रेवेन्यू हमारे पास देख सकते हो थोड़ा सा आता है अच्छा टैक्स रेवेन्यू अवेयर एज नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू और इंक्रीज करना पड़ेगा तो ये 2021-22 का जो टोटल एस्टिमेट रिसिप्ट है ठीक है फाइनेंशियल ईयर दो हज़ार तो ये फाइव टू सेवन फोर टू पॉइंट वन नाइन करोड़ विज अराउंड फाइव सेवन ये आपने ध्यान रखना है रिसिप्ट की बात करें वहीं जब हम एक्सपेंडिचर में जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो वन फाइव फोर टू एट सोशल सोशल सर्विसेज में जा रहा है अगर एक्सपेंडिचर देख रहे हो गौर से देखो बेटा सोशल सर्विसेज में मैक्सिमम हो रहा है देख रहे हो मैक्सिमम किस में हो रहा है सोशल सर्विसेज में उसके बाद इकोनॉमिक सर्विसेज में सेकेंड नंबर पर आ रहा है थर्ड नंबर पर सेकेंड नंबर पर जनरल सर्विसेज में जा रहा है ठीक है तो मैक्सिमम आप नोटिस करो कहाँ पे जा रहा है सोशल सर्विस पे दूसरे नंबर पे जनरल सर्विसेज पे तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक सर्विसेज पे और चौथे नंबर पे ग्रांट इन एड तो लेकिन अगर हम कैपिटल ये कौन सा बता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यह हम नोटिस करेंगे पब्लिक डेट और लोन में सबसे ज़्यादा जा रहा है देखो फाइव तो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है पब्लिक डेट में उसके बाद नंबर टू पे देखो इकोनॉमिक सर्विसेज नंबर टू पे कहाँ जा रहा है इकोनॉमिक सर्विसेज पे नंबर थ्री पे जो देखें तो सोशल सर्विसेज पे जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए जो कैपिटल के लिए हम बना रहे सोशल सर्विस और जनरल सर्विसेज लीस्ट है ठीक है जनरल सर्विस यहाँ जनरल सर्विस सेकंड नंबर पे आ रहा है जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं लेकिन अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाते हैं तो जनरल सर्विस लिस्ट आ जाता है ये आपने ध्यान रखना है क्लियर है तो ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है दो और बाईस के लिए ठीक है और ये क्या था एस्टिमेटेड रिसिप्ट है पैसा जो आ रहा है आएगा कहाँ से तो रेवेन्यू रिसिप्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा ग्रांटेड एड से आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो हम पब्लिक अकाउंट कैपिटल अकाउंट से निकाल रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट जो जाए ज़्यादा है ठीक है रिसिप्ट की अगर हम बात करें वेयर एज जब खर्चे करने की बात आ रही है तो अब जब जब हम रेवेन्यू के लेवल की बात कर रहे हैं खर्चे करने की तो मैक्सिमम जो हम देख रहे हैं कि वो जा रही है सोशल सर्विसेज में और उसके बाद दूसरा है जनरल सर्विसेज में ठीक है और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है हमारा वो किस में जा रहा है दैट पब्लिक डेट और लोन जो हमने ले रखा है उसके अंदर एक्सपेंडिचर में जा रहा है और उसके बाद जाके हम लोग इकोनॉमिक सर्विसेज और देन सोशल सर्विसेज में आ रहे हैं और जनरल सर्विसेज बिल्कुल कम तो ये आपने ध्यान रखना है अगर पैसा कहाँ से आया कैसा गया ये देखना है ये देखना हमने तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट 2019-20 का हमारे पास अभी जो दिखाता है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो ग्रांटेड एड्स देखो बेटा 47 परसेंट ग्रांटी नेड ठीक है स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू सात परसेंट है सेंट्रल से जो टैक्स ले रहा है बाईस परसेंट है और अपने आप जो टैक्स है कमा रहे चौबीस परसेंट सबसे ज़्यादा ग्रांटी नेड है फिर खुद कमा रहे हैं फिर सेंट्रल से टैक्स ले रहे हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू सात परसेंट का कुल है वहीं पर अगर हम एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं उन्नीस बीस में तो देखो सोशल और जनरल सर्विस जनरल सर्विसेज चालीस परसेंट लेके जा रहा है और सोशल सर्विस कम से कम अठतीस यहाँ थोड़ा चेंज आया इक्कीस बाईस में हमने एस्टिमेट जो किया है हमने कहा कि जन सोशल सर्विसेज जो हैं वो जनरल सर्विस से ज़्यादा उस पर हम खर्च करने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये एग्रीगेट रिसिपिप्ट अगर हम देखें एग्रीगेट रिसिप्ट की बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट है पब्लिक डेट सत्रह परसेंट और डिपॉजिट एंड एडवांस रेमिटेंसेज जो है वो सिर्फ तीन परसेंट की बात करते हैं ठीक है थीके? ये दो हज़ार उन्नीस बीस की बात कर रहे हैं बेटा हम ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 81 परसेंट ठीक है लोन्स और एडवांसेस जो है एक परसेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 परसेंट और पब्लिक डेट 8 परसेंट ये ध्यान रखना है और इसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं पब्लिक अनाउंसमेंट जो इस बार गवर्नमेंट ने करी है वो आपने ध्यान जैसे मैंने पहले बताया था मिड डे मील के लिए बढ़ा दिया या फिर जो भी चीज़ें इंक्रीज़ कर दी है वो आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक है अनाउंसमेंट जो है ऑनरियम बढ़ा दिए हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ एक जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये देखना रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट विल बी इंक्रीज अप टू 25 परसेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 परसेंट इंक्रीज़ हो चुका है ये आपने ध्यान रखना है ठीक है ये एक और है दूसरा एक सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, है शिमला विंग में वो उसके लिए टोटल एलोकेशन दो करोड़ की हो रखी है ये इंपॉर्टेंट है एक और चीज़ आपने ध्यान रखी स्टेट मेडिकल कॉलेज लोकेटेड शिमला सात बहत्तर करोड़ की एलोकेशन उसके लिए जा रही है ठीक है हिम केयर बेनिफिशरीज के लिए इक्कीस बाईस में ये जो हमारे पास सेवेंटी ईयर्स और अबव अब वाली एज के लिए ऑर्फन जो है उसके लिए बाल आश्रम जो वगैरह बना रखे हैं उसके लिए भी एलोकेशन बढ़ गई है इस बार ठीक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड एक बनाया है एग्रीकल्चर के लिए ठीक है और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट ठीक है इनिशियल कॉर्पस कितना करोड़ से बेटा पाँच पाँच करोड़ इनिशियल कॉर्पस से ये आपने ध्यान रखना है ये अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट ने करी है जैसे कहा रूट स्टॉक पाँच लाख रूट स्टॉक विल बी इम्पोर्टेड ये याद रखना एक याद रखना अपने जीन रिपोजिटरी जीन बैंक बनाए जो कि वाई एस परमा यूनिवर्सिटी में नॉनी में बनाई गई है जीन बैंक के लिए ध्यान रखना है एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट बनाए जो कि स्टैब्लिश है पराला शिमला के अंदर ये भी आपने ध्यान रखना है ये अनाउंसमेंट है इस, इस बार के बजट की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है मिल्क प्रोक्यूरमेंट में दो दो रुपये डेयरी फार्मर्स जो है इंक्रीज है आउटलो इतना करोड़ का आउटले, के आउटले मिल्क फेड के अंदर आ गया हिम रसोई कैंटीन जो है हिमिला रसोई जिसे कहा गया है ठीक है पायलट बेसिस पे है सिरमौर में स्टार्ट किया गया एक शी हाट शी हाट जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया ये ध्यान रखना है अपने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा शी हाट जो हार्ट सिस्टम जो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ बेटा ध्यान रखना सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बजट अनाउंसमेंट में एक और चीज़ है हमने प्लांटेशन बारह हेक्टेयर ठीक है लैंड हम टारगेट किया है और इसमें चौदह हेक्टेयर दो हज़ार इक्कीस बाईस में बीस इक्कीस में हमने बारह हज़ार किया था दो हज़ार हेक्टेयर बढ़ा दिया है इक्कीस बाईस में कितना हेक्टेयर चौदह हज़ार हेक्टेयर की बन में न्यू प्लांटेशन की बात करिए ये भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ठीक है और दो सौ न्यू इलेक्ट्रिक बसेज जो है हमने दो हज़ार इक्कीस बाईस में हमने कहा कि प्रोक्रू करेंगे हम खरीदेंगे इलेक्ट्रिक बसेज ठीक है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लाल पानी वगैरह ये सब आपको मालूम ही है ठीक है जो अलग एलोकेशन रही हैं ठीक है सात हज़ार एल लाइट्स जो है 25 करोड़ विल बी इंस्टॉल्ड इन धर्मशाला ठीक है 2021-22 में ये ध्यान रखना है कितनी सात हज़ार एल लाइट्स धर्मशाला के अंदर ये अपना ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद एक और चीज़ आ ध्यान रखनी है आपने कि आप हम ये देखें कि दो इन दो हज़ार थ्री डिस्ट्रिक्स दैट इज़ सोलन हमीरपुर एंड बिलासपुर विल बी फुली कन्वर्ट अंडर द स्कीम कौन सी स्कीम है कि जहाँ पे हमने जीवन मिशन जो अंडर जल जीवन मिशन जो है उसमें हम तीन डिस्ट्रिक्ट और कवर करेंगे पहले हमने जो तीन डिस्ट्रिक्ट किए थे किन्नौर लाहौल स्पीति एंड ऊना ठीक है ये कवर किए थे अभी हम क्या कर रहे हैं तीन नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी ध्यान रखना बेटा जल जीवन मिशन के अंदर हम जो तीन नए डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं सोलन हमीरपुर बिलासपुर कौन से है? हैं सोलन हमीरपुर एंड बिलासपुर ठीक है एक और इंपॉर्टेंट है एक 800 करोड़ का डिजास्टर मैनेज रि रिस्क रिडक्शन के लिए हमने कौन सी कंट्री के साथ टाइप किया फ्रांस के साथ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हमने टाइप किया है ताकि हम क्या कर सकें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर सकें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट सोलर पॉज बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पायलट बेसिस पे हमने स्टार्ट किया है पोंटा साहिब के अंदर सोलर पावर के ऊपर बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ये हमने स्टार्ट किया पायलट बेसिस पे कहाँ पर कहाँ पर पोटा साहिब से स्टार्ट किया है सर मौर के अंदर अब हमने कहा आगे ऐसे दस और भी हम ऐसे चीज़ें बनाएंगे ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आ, एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है कि 2021 22 में हमने कहा था कि 755 मेगावाट मेगावॉट कैपेसिटी कमीशन किए जाएंगे जिसमें भोजोली होली 180 मेगावाट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्वती टू 400 मेगावाट मेगावॉट ठीक एंड देन टाइडोंग 150 मेगावाट मेगावॉट एंड लमडोंग जो है 25 मेगावाट ये आपने ध्यान रखना है कि कमीशन कर रहे हैं 2021-22 में तो टोटल सात सौ एनर्जी के टर्म्स में हम 755 हंड्रेड की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है ठीक है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है जो चला रहे हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना उसके अंदर आपने देखना कि हमने लिमिट जो बढ़ा के एक करोड़ कर दी है ठीक है ये ध्यान रखना आपने किस बार एक्सपेंडिचर सौ करोड़ इसमें एक्सपेंडिचर किया जाएगा सौ करोड़ का स्वावलंबन में जो लिमिट थी साठ लाख की ठीक है वो एक करोड़ तक के लिए पहुंचा दिए कितने पहुंचा दिए बेटा वन सी हो गई है स्वाब में कितनी लिमिट हो गई है वन सी की ये ध्यान रखना है आपने क्लियर है एक और चीज़ ध्यान रखना है कि एक ऑफ ग्रिड सोलर पावर जो ढाई सौ वॉट की कैपेसिटी के वो लाहौल स्पीति और पांगी वैली में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे दो हज़ार में ठीक है ये ध्यान रखना आप एक और चीज़ है यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट के अंदर काउंसलिंग प्रोग्राम भी इंक्लूड किया जाएगा ये भी ध्यान रखना काउंसलिंग काउंसिलिंग प्रोग्राम है इंक्लूड है ठीक है रोड लेंथ को 2022 तक चालीस हजार किलोमीटर तक लेके जाया जाएगा ठीक है क्लियर है चालीस हजार किलोमीटर रोड लेंथ ये ध्यान रखना है आपने मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन जो जो है उसको कंटिन्यू किया जाएगा उसमें दस करोड़ और इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा ठीक है कोई लड़की गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता तो ट्वेंटी वन थाउजेंड इक्कीस हज़ार रुपये की बात की थी हम वो प्रोवाइड किया जाएगा बी भी, बीकर सेक्शन के लिए वेलफेयर ऑफ बीकर सेक्शन महिलाओं के लिए और दूसरा अगर कोई लड़की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रे अदर बैकवर्ड क्लास फैमिली से है और एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है उसको थर्टी वन थाउजेंड रुपीज इकतीस हज़ार रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे ये भी आपने ध्यान रखना है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलोकेशन जो है स्वर्ण जयंती नारी संभाल संभाल योजना जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्कीस बाईस में जो कि एल्डरी वुमेन जो हिमाचल प्रदेश में सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी नाइन एज के बीच में वन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ कितना वन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपने ध्यान रखना है ठीक है क्लियर है ये कुछ इंपॉर्टेंट एलोकेशन है इस साल के बजट की विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला स्वर्ण जयंती नारी सम, संभाल योजना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये बजटरी अनाउंसमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इस बार हमने मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए बेटा और भी है इसमें ठीक है ये आपने थोड़े से और देख लेना है तो हिमाचल बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स और बजट क्यों आता है ये मैंने आपको इनिशियली बताया बजट क्या होता है ये भी मैंने बता दिया आपको और हिमाचल में कैसे इस साल जो है हमने जो है कम्पेरेटिव एनालिसिस किया 2019-20 के बिकॉज ड्यू टू कोविड नॉम भी जो बीस और इक्कीस का जो बजट का जो एक्चुअल वो था हमारे पास वो नहीं आया था इसलिए इसमें एस्टिमेटेड ही जो भी हमने कम्पेरेटिव दिखाया ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है क्लियर है तो ये रिवाइज कर लेना सब ने सारा कुछ रिवाइज़ करना आपने है आपने ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मैंने आपके पास कंपेरेटिव भी दिया है सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता रही है ठीक है क्लियर है ओके okay. बेटा